हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों, आप सबको लुकिंग अराउंड की वर्कबुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 7 ओपन करना है। उसमें हमें दिया है चैप्टर 2 अ स्नेक्स चार्मर स्टोरी, उसकी एक्सरसाइज हम लिखेंगे। तो बच्चों, पहले हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उसमें फर्स्ट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसमें 1 नंबर, Why are snakes a treasure for the sepias? यानी कि स्नैक यानी कि ये सांप है वो सपेरा के लिए खजाना क्यों है, ट्रेजर यानी कि खजाना। Snakes charmers on living by entertaining people by their snack and playing the being। यानी कि ये जो सपेरा होता है वो स्नैक को बीन बजाकर खिलाता है और पीपल के लिए एंटरटेनमेंट बनता है। इसीलिए सपेरा के लिए ये जो स्नैक है वो खजाना है, क्योंकि उसी में से उसको पैसा भी मिलता है। आगे देखते हैं 2 नंबर, हाउ डू द स्नैक चार्मर्स हेल्प द विलेज पीपल, व्हाट डू द विलेज पीपल गिव इन रिटर्न टू देम। यानी कि ये जो सपेरे हैं वो गांव के लोगों की मदद किस प्रकार करते हैं और गांव के लोगों बदले में उसे क्या देते हैं। दे यूज टू गिव मेडिसिन मेड आउट ऑफ प्लांट्स टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो कूड फॉर स्नैक बाइट। प्लांट्स में से बनी हुई जो मेडिसिन है वो भी देते हैं और सांप काटने की दवाई भी देते हैं। 3 नंबर, वाई आर स्नैक्स कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ये जो स्नैक्स है वो फार्मर्स के फ्रेंड भी क्यों कहलाते हैं। स्नैक्स ईट्स अप द रेट्स प्रेजेंट इन द फील्ड्स हेल्पिंग द फार्मर्स टू सेव देयर क्रॉप्स। देखो, उसके जो फील्ड यानी कि उसकी जो उसका जो खेतर या उसको फील्ड कहते हैं, तो ये जो फील्ड होता है उसमें रेट्स वगैरह आते हैं तो वो ये फार्मर के सारे क्रॉप्स खा जाते हैं। तो अगर वहाँ पे स्नैक हो तो स्नैक रेट्स को खा जाता है ताकि फार्मर की जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स यानी कि फसल, वो फसल बच जाती है। तो इसीलिए फार्मर्स के स्नैक है वो फार्मर्स के फ्रेंड भी कहलाते हैं, क्योंकि स्नैक है वो फार्मर्स को ये क्रॉप बचाने में बहुत ही हेल्पफुल है, वो रेट्स को खा जाते हैं इसलिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आप सबको स्किप करना है। 5 नंबर, हाउ डज द पॉइजन ऑफ स्नैक एंटर अ पर्सन्स बॉडी। पर्सन्स बॉडी यानी कि ह्यूमन की बॉडी में स्नैक का पॉइजन किस प्रकार फैलता है। द पॉइजन ऑफ अ स्नैक एंटर अ पर्सन्स बॉडी थ्रो द फंग्स इन टू हिज ब्लड व्हेन द स्नैक बाइट द पर्सन। जब स्नैक किसी पर्सन को बाइट करता है तो उसके ब्लड के थ्रू ये पॉइजन है वो हमारे बॉडी में फैल जाता है। आगे देखते हैं 6 नंबर, हाउ कैन स्नैक चैम्बर्स अर्न अ लिविंग बाय द गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। सपेरे का खेल खेलने के उपहार से जीविका कैसे कमाता है बच्चों। स्नैक चैम्बर्स प्ले द बीन एंड परफॉर्म द कलबेलिया डांस टू एंटरटेन पीपल एंड अर्न लिविंग। ये जो सपेरे है वो स्नैक को कलबेलिया डांस खिलाते हैं और सब पीपल को एंटरटेन करते हैं, तो सारे पीपल उसको कुछ गिफ्ट या पैसे देते हैं तो उसी से वो कमाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7, द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज दैट नो वन कैन कैच एंड कीप वाइल्ड एनिमल्स। वाई गवर्नमेंट ने वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पकड़ने का रूल क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है। टू स्टॉप हंटर्स एंड पॉचर्स फ्रॉम किलिंग द स्नैक्स। गवर्नमेंट मेड द लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप वाइल्ड एनिमल्स। सारे हमारे वाइल्ड एनिमल्स है उसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे जो हंटर्स ये जो वाइल्ड एनिमल्स को किल यानी कि मार देते हैं उससे बचाने के लिए भी गवर्नमेंट्स ने ऐसे लॉ यानी कि रूल्स बनाए हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ भी नहीं सकता और उसे मार भी नहीं सकता है, ताकि हमारे वाइल्ड एनिमल्स सुरक्षित रह सके। तो बच्चों, ये चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू है उसकी पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। अब हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर 3 का नेम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। उसके लिए आप सबको पेज नंबर 1313 ओपन करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्लेविया हेल्पफुल।
यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो थूक लार होता है वो हमें किस प्रकार से हेल्पफुल है, टू मेक द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये जो सलाइवा है यानी कि हमारी थूक लार है वो हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है और डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, डाइजेशन यानी कि हमारी पाचन क्रिया। टू नंबर, हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, यानी कि हमारे फूड यानी कि भोजन का डाइजेशन यानी कि पाचन किस प्रकार होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन अवर माउथ देन द फूड गोज इन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप एंड डिफरेंट एंजाइम्स गेट मिक्सड इन द फूड एंड हेल्प इट टू डाइजेस्ट, यानी कि हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जब हम फूड च्यू कर लेते हैं उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है फूड पाइप के द्वारा और फिर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से मिक्स होकर ये हमारा फूड है वो हमें डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। थ्री नंबर, वॉट आर टेस्ट बर्ड्स, हाउ आर दे हेल्पफुल, ये टेस्ट बर्ड्स क्या है और वो हमें किस प्रकार से हेल्पफुल है। टाइनी बम्स ऑफ सरफेस ऑफ अवर टंग आर कॉल्ड अ टेस्ट बर्ड्स, दे हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी कि हमारे टंग पर जो छोटे छोटे टाइनी बम्स होते हैं उसकी मदद से उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड, जिससे हम जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है वो पहचान सकते हैं। दे कैन हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी कि हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं तो उसको हम इसकी मदद से पहचान सकते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। आप सबको ही पता है सारे डिशेज के टेस्ट अलग अलग होते हैं, स्वीट टेस्ट अलग होता है, सॉर टेस्ट अलग होता है, तो वो हम अपनी टाइनी बम्स जो होते हैं टंग के ऊपर उसकी मदद से हम उसे पहचान सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेस। नेक्स्ट देखते हैं फोर नंबर, Why is water essential for the body? हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत क्यों बहुत ज़्यादा है। Water is very essential for our body and helps to maintain its temperature. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए ये वाटर बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए बच्चों। फाइव नंबर, What happens to the children who do not get food to eat, यानी कि जो भी बच्चों को खाना नहीं मिलता उसका उनका क्या होता है। द चिल्ड्रन वो डू नॉट गेट फूड टू ईट हैव वेरी थीन लेग्स एंड आर्म्स एंड अ पॉट बेली, दे फील टायर्ड टू। देखो जो भी बच्चों को अच्छा खाना या तो खाना मिलता नहीं है वो बहुत ही उसके लेग बहुत ही पतले होते हैं, उसके आर्म्स भी बहुत पतले होते हैं और उसकी बेली यानी कि उसका पेट भी बहुत ही पतला होता है और वो कैसा फील करते हैं, टायर्ड यानी कि थका हुआ फील करते हैं। जो भी बच्चों को समय टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता उसको इस प्रकार की बीमारी होती है, बीमारी यानी कि उसके लेग हाथ टमी वो सब बहुत ही थीन होता है और वो बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। आगे देखते हैं, वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड, व्हाई, जब भी बहुत कोल्ड यानी कि ठंडा हो तब हमें फूड का जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। वी डू नॉट गेट एनी टेस्ट व्हेन वी हैव कोल्ड एज अवर नोज इज ब्लॉक्ड एंड वी डोंट गेट द स्मेल आउट ऑफ द फूड एंड हैंस नॉट एबल टू टेस्ट द फूड प्रॉपरली, यानी कि कैसा होता है कि जब फूड या फिर हम भी बहुत ठंडे होते हैं तो हमारा जो नोज़ होता है वो ब्लॉक हो जाता है तो हमें कोई भी प्रकार की स्मेल हमारे नोज़ तक नहीं पहुंचती है, तो उसी प्रकार से हमें फूड का कोई टेस्ट भी प्रॉपरली नहीं आता है। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर 3 के भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी के ट्रू और फॉल्स और MCQ है वो भी आप सबको वर्कबुक में लिख कर कम्प्लीट करना है, उसकी PDF आप सबको मिल जाएगी।